मॉर्निंग दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में उनके एग्जाम में चलते रहते, जब वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए। एक्चुअली क्या फाइनल नहीं कर सकते वो लोग, जहाँ तक उनको उनके प्रश्न के सवाल पूरी तरह मालूम नहीं होते हैं। तो आज हम जो विस्तृत चर्चा करेंगे वो कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पेरेंट्स के माइंड में, जो सबसे पहला होता है कि MBBS में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म्स और कई बार फॉरेन एजुकेशन सिस्टम के नॉर्म्स एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द मिसकम्युनिकेशन बिटवीन देम। दोनों के बीच में तालमेल नहीं होने की वजह से कई बार यहाँ के जो रूल अप्लाई किए गए होते वो फॉरेन में काम नहीं करते। हम अगर डिटेल में बात करते हैं कि फॉरेन में अगर आपको MBBS पर एडमिशन लेना है तो 12th के अंदर मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 50% इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज वेल एज इन इंग्लिश, और दूसरा नीट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, नीट के मार्क्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। जैसे कि चाइना की मैं बात करता हूँ, तो चाइना के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी की 12th की रिक्वायरमेंट है वो मोर देन 70% है, मेजॉरिटी, कुछ की मैं बात करूँ तो मेजॉरिटी। और नीट की जो रिक्वायरमेंट है मोर देन 200 है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट। वैसे ही अगर हम लोग दूसरी कंट्री की बात करते हैं, यूक्रेन की बात करते हैं, तो बोगोमोलेट्स के अंदर 12th के अंदर 70% चाहिए एंड नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप लवीव में जाना चाहते हो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द यूक्रेन, देन उसका रिक्वायरमेंट जो है वो 200+ मार्क्स चाहिए नीट में और 12th में पास होना चाहिए विद द 50%। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन कंट्रीज में। रशिया के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्रीमिया फेडरल है। क्रीमिया के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर इंडिविजुअली आपके 70% होने चाहिए, तब जाके आपको वहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। वैसे ही यूक्रेन में दूसरा एक यूनिवर्सिटी है, सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कई बार बच्चों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सुमी की प्रोसेस के बारे में। सुमी में बेसिकली क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी एग्ज़ाम होती है। तो फॉर्मेलिटी एग्ज़ाम के अंदर वहाँ पे इंग्लिश जिस बच्चे का अच्छा नहीं होता है उससे $300 का एडिशनली फीस पे किया करवाया जाता है, और वहाँ पे उसके MBBS की पढ़ाई के साथ साथ उसके इंग्लिश के क्लास भी लगाए जाते हैं। बच्चों को उस टाइम पे ऐसा लगता है कि भाई $300 यहाँ पे हड़प कर लिए, लेकिन वहाँ पे $300 की जेन्युइन रिसिप्ट दी जाती है और उसके क्लास उसको अटेंड करने पड़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश वीक है तो वो 6 साल कैसे सर्वाइव करेगा, MBBS की पढ़ाई ही नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी का एक टिपिकल सिस्टम है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग ज़रिया होता है एडमिशन देने के लिए और इट्स देयर रूल, सो उसको हम लोग बीट नहीं कर सकते, हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर सकते, वी मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट देयर रूल्स। हम जिस देश में जा रहे हैं वो देश के रूल्स को और उसके नागरिक को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, तभी लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। सो ये एक पहला सवाल था। दूसरा जो सवाल आता है कि कितने साल का स्टडी होता है। तो अगर मैं करिकुलम की मैं बात करता हूँ तो इंडिया के अंदर 4.5 साल का MBBS है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है, 5.5 साल हो रहा है। चाइना में अगर आप जा रहे हो 4.5 साल का स्टडी है, 1 साल का इंटर्नशिप है। नेपाल में सेम है, बांग्लादेश के अंदर भी सेम है,
मॉरिशियस में सिमिलर है ऑलमोस्ट। तो ये कंट्री के अंदर 4.5 साल का सिलेबस है। इसको छोड़ के अगर मैं बात करता हूँ, कजाकिस्तान में एक है 5 साल का सिलेबस है, बाकी कोई भी कंट्री में 5 साल का सिलेबस नहीं है। आपको एक मिसगाइड किया जाता है, 5 साल का रूल वहाँ पे किर्गिस्तान में आपको दिखाया जाता है और 6 साल का वाला भी कोर्स दिखाया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? 6 साल वाला भी MBBS है, 5 साल वाला भी MBBS है। ये कोई नॉर्मल स्टडी नहीं है, ये इट्स ए MBBS स्टडी। ये कोई फास्ट ट्रैक कोर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं कर सकता कोई भी। जॉर्जिया में लोग बोलते हैं 5 साल का कोर्स है, उसकी वेबसाइट पे आप जाके चेक करेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी दे विल शो 12 सेमेस्टर और 6 ईयर ओनली। लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग स्टंट के लिए कई लोग बच्चों को मिसगाइड करने के लिए दिखा देते हैं कि 5 साल का कोर्स है। वो 5 साल का जो कोर्स दिख रहा है और जो एडमिशन ले रहे हैं वो पढ़े हुए अनपढ़ लोग हैं, क्योंकि खुद से कोई भी चीज़ चेक नहीं कर रहे, उसके बाद में पछतावा कर रहे हैं। इट्स योर फॉल्ट, इट्स पेरेंट्स फॉल्ट, इट्स स्टूडेंट फॉल्ट। कोई आपको जो भी दिखा रहा है, आप अगर उसके ऊपर बिलीव कर रहे हो देन इट्स योर फॉल्ट। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा वो एजेंट का फॉल्ट, एजेंट तो बिजनेस लेके बैठा है, वो तो गलत ही बोलेगा, लेकिन आप तो चेक करो। हम लोग बोलते हैं कि भाई जॉर्जिया में एम्बेसी नहीं है, फिलीपींस में एनमेट की एग्ज़ाम है, कोई सुनता नहीं है। बस उनको तो पड़ी है कि बच्चे को यहाँ पे ग्रुप जा रहा है, ग्रुप में भेजना है, वहाँ पे गुजराती फूड इंडियन फूड अवेलेबल है वहाँ पे भेजना है, वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ का हॉस्टल अलग है वहाँ पे भेजना है। वहाँ पे जाके पता चलता है वो कोई भी चीज़ होती नहीं है। एक चश्मा लगाते हैं यहाँ पे कंसल्टेंट लोग, जो आपको दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाते हैं, आपको जो देखना है वो दिखाते हैं। मीन्स आप खुश हो जाते हो, इट्स लाइक ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो अगर आपको बोलेंगे भाई आपके कुंडली में राज योग है, आपका ग्रह दशा बहुत अच्छा चल रहा है, आपको वो अच्छा लगेगा। आप वेट करके बैठ जाएंगे कब मेरा राजयोग आएगा, कब मेरा परिवर्तन आएगा, मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन कोई अगर आपको बोलेगा कि भाई आपके अंदर ये दिक्कत है, ये दुविधा है, तो आप उसको गाली देंगे, साले इसको तो नॉलेज ही नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मेहनत करने की नहीं सोचेंगे कि भाई काम करेंगे तो कुछ फल मिलेगा। फल की ऐसा ऐसे ही क्यों रख सकते हैं हम लोग? तो ये बात होती है। ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी जो है 6 साल का है मेजोरिटी कंट्री में, तो वो ध्यान में रख के चलिए। इवन चाइना की मैं बात करता हूँ, स्टडी करिकुलम वहाँ पे 5 साल का ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे फीस जो पे करनी है आपको 6 साल के लिए पे करनी है, तो आपका बजट लेके चलिए उसके हिसाब से। आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इट्स नॉट अ फर्स्ट पॉइंट, बट उस 6 साल की आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अभी टोटल फीस की मैं बात करता हूँ MBBS प्रोग्राम के बारे में, तो कई बार पैकेज लोगों को दिखाया जाता है कि भाई 10 लाख में MBBS हो रहा है, 12 लाख में MBBS हो रहा है, 15 लाख में हो रहा है। अगर मैं कैलकुलेशन करवाता हूँ आपसे, मिनिमम 3000 या $3,500 फीस होता है साल का, 6 साल का ड्यूरेशन होता है। मैं 3000 भी काउंट करता हूँ तो $18,000 फीस हो रही है। 18,000 को आप 70 से काउंट कीजिए तो कितना हो रहा है, करीबन 13 लाख रुपए के आसपास, अप्रोक्स मैं बोल रहा हूँ, मे भी आगे पीछे हो सकता है। खाने पीने का आपका खर्च गिनी है 70,000 रुपीज़ पर ईयर का, तो वो हो गया 5 लाख रुपया। 18 तो वहाँ पे हो गया, वहाँ पे एकोमोडेशन कॉस्ट आप काउंट कीजिए, अगेन वही 5 और ऐड हुआ, 23 हो गया। कंसल्टिंग चार्ज काउंट करेंगे, वीज़ा एक्सटेंशन काउंट करेंगे आप, इंश्योरेंस आएगा वहाँ पे वो काउंट करेंगे, बुक्स वगैरह रहेगा, छोटे मोटे कल्चरल एक्टिविटी रहेगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहेगी, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे। जो ये सब चीज़ें मिला के मिनिमम जो बजट आपको दिमाग में लेके चलना है फॉरेन कंट्री के लिए, 24-25 लाख से नीचे आपका खर्च नहीं होना है। ये खर्च आप दिमाग में लेके चलिए, इतना पैसा आपके पास अवेलेबल है तो ही रिस्क लीजिए। अगर आपने 4 साल पढ़ाई करवा लिया, बच्चे को 2 साल के पैसे ही नहीं है, फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है आपके साथ, वो बच्चे को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कंसल्टेंट आपको बोल लेंगे 15 लाख में MBBS हो जाएगा, लेकिन आपके जेब में 15 लाख से ज़्यादा 1 रुपया है नहीं, आप करेंगे क्या? तो जो भी है प्रॉपर इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद ही बच्चे को भेजिए,
अदरवाइज आपका पैसा बर्बाद होगा, बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ से फिर दूसरी जगह पर आप नहीं डाइवर्ट कर पाओगे। जब वो MBBS की पढ़ाई शुरू कर देगा उसका एक ड्रीम हो जाएगा, फ्यूचर ऑफ ड्रीम हो जाएगा कि मेरे को अब डॉक्टर बन के ही बाहर निकलना है। तो ये चीज़ें खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। बजट का कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉपर से ध्यान में रखिए कि जितना आपका बजट है उतना में उतने में सब सर्वाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो रिस्क मत लीजिए। सिर्फ लोग लोन का जासा देंगे, ये देंगे वो देंगे, इट्स अ सेकेंड पार्ट। लोन अवेलेबल है, गवर्नमेंट भी दे रही है, आप बैंक में से भी ले सकते हो, लेकिन लोन का किस्तें तो आपको भरना है। उसके लिए आप कैपेबल हो कि नहीं हो, तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है बजट के बारे में जब सोच रहे हैं। दूसरा जो एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बात किया, एलिजिबिलिटी के लिए सिंपल सा जो है फंडा 12th और नीट। एक दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि MBBS ख़त्म करने के बाद क्या हम इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं? यस, आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप WHO MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है और एज पर एज गवर्नमेंट नॉर्म्स आप अगर MBBS करने गए हुए हो। इस साल से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन जाने से पहले वो फॉर्म फिलअप करके रख के ही जाइएगा। गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, इन फ्यूचर वापस से रूल अप्लाई हो गया तो आपको वहाँ से यहाँ आके पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी का फॉर्म प्रिपेयर करके रखिए, ये एक हमारा एडवाइस है। उसका कोई खर्च नहीं होना है, जेरोक्स निकाल के वो फॉर्म तैयार करके रखना है आपको। और जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफ़िल होनी चाहिए गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, MBBS आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने का परमिशन है। यहाँ पे आके आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है, जो लास्ट ईयर तक MCI बोला जाता था, FMGE बोला जाता था, वो कॉमन हो चुका है। आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो कि अब्रॉड में कर रहे हो, नीट एग्ज़िट एग्ज़ाम आपको देना ही देना है। वो नीट एग्ज़िट के अंदर आप क्वालिफाइड होंगे तो आपको PG में एडमिशन मिलेगा, आप पास हो रहे हो तो आपको MBBS का लाइसेंस मिलेगा, और अगर आप फेल हो रहे हो तो 36 ईयर तक आपको एग्ज़ाम देने का चांस दिया जाता है। दिस इज़ द गवर्नमेंट रूल्स, जो अभी तक का हमारा इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से। नेक्स्ट के बारे में शायद इन फ्यूचर कई नए सारे चेंजेस भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तो ये बात इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। 6 साल के बाद क्या होगा वो मैं या आप कोई भी एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन फ़िलहाल जो रूल है गवर्नमेंट का ये रूल है, तो उसको ध्यान में लेके चलना है आपको। उसके बाद हम लोग अगर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्या हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जॉब ले सकते हैं? यस, क्यों नहीं। आप इंडियन नागरिक हो, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपने MBBS किया हुआ है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, नीट एग्जिट या MCA आपने क्वालिफाइड किया हुआ है, तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर डेफिनेटली आप काम कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद 1 साल का जो आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ पे आपको इलेक्टिव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो यहाँ के डॉक्टर में और वहाँ के डॉक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, समझ गए। यहाँ के भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी क्या प्रैक्टिस अच्छी मिलती है? नहीं मिलती है। अगर मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर जो बच्चा जा रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ पे 150 सीट, सपोज हम लोग एक एग्ज़ाम्पल रफली एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 150 सीटें हैं तो 3 साल के 450 बच्चे हो रहे हैं। थर्ड ईयर से क्लिनिकल रोटेशन होता है और पेशेंट होता है वहाँ पे 60-70, प्राइवेट के अंदर ज़्यादा होता नहीं है। बच्चों को यहाँ पे भी प्रैक्टिस कम मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती है, तो जो भी हैंड जोन मिलता है वो इंटर्नशिप के दौरान मिलता है, इलेक्टिव रोटेशन के अंदर मिलता है आपको। तो यहाँ का बच्चा है कि वहाँ का बच्चा है, दोनों को इक्वल प्रैक्टिस मिला हुआ है एंड ऑफ द ईयर, तो उसके लिए यू आर ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द गवर्नमेंट जॉब, सो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। अभी हम लोग जो बात पे आते हैं सो ये गवर्नमेंट जॉब की जो बात हो गई, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स भी है, दूसरे क्वेश्चन भी है, उसके लिए हम दूसरा एक वीडियो लेके आएंगे। आप वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर रोज़ का कुछ ना कुछ नया नॉलेज यहाँ से शेयर किया जाएगा जो कि आपके फ्यूचर पाथ के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है।
हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वी आर द ओनली एक्सपर्ट, बट वी विल ट्राई टू अवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेटर नॉलेज अबाउट योर कैरियर. यू आर द अवर कंट्री फ्यूचर. सी, एक डॉक्टर है, एक साइंटिस्ट है, किसान है, फौजी है, ये अपने देश का एक भविष्य है. अगर उसके साथ खिलवाड़ किया तो हमारा भी फ्यूचर खराब होगा. ये सोच के हम लोग काम करते हैं तो हम लोग ट्राई करेंगे जितना बेटर नॉलेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. वो एक प्रकार की देश की सेवा ही होगी. तो धन्यवाद दोस्तों. कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं पे भी आपको कुछ लग रहा है दिक्कत, सीधा आप हमको संपर्क कर सकते हैं. मैं हर एक वीडियो में एक चीज़ बताता हूँ, अब्रॉड में भी जाने के बाद अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रही है, हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं कि एक लीगल एडवाइज़र सेल खड़ा कर दे कि जो फॉरेन के अंदर गए हुए बच्चों को इन्फॉर्मेशन और उनको हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड कर सके. बच्चा हमारे थ्रू गया है कि नहीं गया है, इट्स अ सेकेंड पार्ट. बट अगर हम सपोर्ट कर पाए किसी भी एंगल से तो हमारे लिए एक बड़ा धन्य सौभाग्य होगा कि हम लोग ने किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाए. हमारा प्रयत्न रहता है, यही रहता है कि किसी का भी कुछ बुरा ना हो और हर एक को एक जेन्युइन और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकें. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी करना है आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं. सो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक. और नीचे जो हमारे नंबर दिए गए वो ध्यान में रखिएगा, इट्स 7227 04x48. हमारा ईमेल आईडी है info@softamo.org. वेबसाइट जो हमारा है www.softamo.org. थैंक्स.